जानिए अपने बारे में और पहचानिए अपनी हर मजबूत या कमजोर कड़ी को, ताकि आप हर उस पहलू को बदल दें जो रुकावट है आपकी खुशियों को पाने में। Yes, I can change। आप में से कोई इस किताब के बारे में कुछ कहना चाहता है, सबसे पहले वो मेरे को बता दीजिए। जो लोग वाकई इसको पढ़ के, कहीं कुछ किसी एक लाइन को भी पढ़ के आश्चर्य में रहे हों कि वाकई हम ये समझते हैं कि ऐसा तो निकल ही नहीं सकता था। गुरुजी को पहले प्रणाम करता हूँ। खुशी है देव प्रभु। रोहतक हरियाणा से आया हूँ। ये मुझे 100% नहीं 200% मेरी फोटोकॉपी बना के भेज दिया आपने। माता रानी सुखी रखे। इतना फेथ है कि मैं अपने पेरेंट्स पे फेथ नहीं कर रहा, लाल किताब पे फेथ करता हूँ। माता रानी पे कभी नहीं गया, विश्वास है कभी मुझे अमृत मिलेगा, लेकिन आपके अमृत से मुझे जो पान मिला है, मैं भगवान के अमृत से भी छोड़ता हूँ उनको। माता रानी सुख दे बेटा, खुशियाँ दे। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी मेरे पास भगवान की दया से मतलब भरा पूरा परिवार, भाई बहन और माता पिता सब हैं, और बहुत खुशहाल परिवार है, धन धान्य से भी संपन्न है। और लेकिन मुझे अपनी जवानी के टाइम से ही स्टेबिलिटी लाइफ में कभी रही नहीं, स्थिरता कभी नहीं रही। तो मेरे एक मित्र हैं मनीष पंडित, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। पहले उन्होंने मुझे 6 महीने पहले बताया था, तो मैंने मतलब मैं भरोसा ही नहीं करता था कि मेरे पास तो सब कुछ है। सच बात। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार आप गुरुजी से मिलो। मैंने कहा नहीं, ये बेकार की बातें होती हैं, जब सब कुछ मेरे पास है लेकिन मेरे मतलब स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं है, स्थिरता नहीं है। लेकिन आज उसने 3-4 दिन पहले उसका फ़ोन आया, बड़ा फोर्स उसने किया कि आप आओ गुरुजी के समक्ष अपनी समस्या रखना। तो मैं उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ली, तो मुझे यस आई कैन चेंज मेरी किताब जो है मेरे को उसने दिलवाई। तो मैंने जब उसको पढ़ा गुरुजी, मैंने एक बार पढ़ा, मैंने दो बार पढ़ा, उसमें जितने भी शब्द लिखे हुए हैं शुरू से लेके आखिर तक, वो मेरी लाइफ का आईना है। एक ऋषि मुनि जी ने बोला है, उनसे किसी ने पूछा था कि ज्योतिष क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है, तो उन्होंने ये कहा, कहते ज्योतिष इतने भव्य महल था, ज्योतिष इतना भव्य महल था कि सारी दुनिया उसके नीचे आती थी, एक जमाना था। लेकिन आज ज्योतिष का ये हाल है कि वक्त की मिट्टी उसकी नींवों के ऊपर भी चढ़ गई, अब उसकी नींवें देखने को नहीं मिलती। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि ये भव्य महल दोबारा खड़ा करूंगा ताकि सारी दुनिया इसके नीचे फैल सके। आज तुम्हारे ये शब्द, ना मानने वाले के शब्द ये है कि तुम कह रहे हो मेरी एक एक लाइन है, बेटा मेरे को दुनिया का वो डॉक्टर या वो साइंटिस्ट बता दो जो तुम्हारे बारे में ये प्रेडिक्ट कर सके, और वो भी एक एक लाइन। यानी कि वो बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो नहीं कर सकते, वो चीज आज हमने फिर दुनिया के सामने लाके रखी है, और भारत माता का ये ज्योतिष निकाल के फिर ले आए हैं। अब इसका महल की नींव तो पड़ गई है, बस अब एक बार महल इसका पूरा खड़ा करना है, जो आप ही लोगों के विचारों ने खड़ा कर देना। बेटा मेरा सपना सच होने जा रहा है। बिल्कुल होगा गुरुजी, बिल्कुल। और पहले तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते थे, आज की डेट में तो हम ये कहते हैं यस आई कैन चेंज, यानी हम चेंज भी कर सकते हैं। तो बेटा अपनी फाइल में ही ढूंढ, उन्हीं के नीचे उपाय लिखे हुए हैं जो जो तेरे नसीब को रोक रहे, देखना कितना अच्छा सेटल होते हो। ठीक है, खुश हो बेटा, सुखी रहो।